कोरोना वायरस की दहशत के चलते जहां 21 दिनों के लिए भारत में लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं इस लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार और पुलिस भी लगातार जनता से घरों में रहने की अपील कर रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस के कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बदायूं से सामने आया है जहां लॉकडाउन के बीच अपने घर जा रहे लोगों के साथ पुलिस कर्मियों ने अमानवीय व्यवहार किया है। पुलिस कर्मियों के इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके से कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी नवादा चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने अपने घर पैदल लौट रहे राहगीरों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन का पालन कराते हुए उन्हें कूदते कूदते आगे बढ़ने का निर्देश दिया। हद तो तब हो गई जब इस घटना का वीडियो भी बनाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई। खुद बदायूं के SSP ने मामले की गंभीरता को लेकर जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और सिपाहियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारी ड्यूटीज रात्रि में ही परसों से 12 बजे से अलर्ट हो गई थी। सुबह का समय था, कल नवादा चौकी पर जहाँ की 5 सड़कें जाती हैं वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सीनियर कांस्टेबल लगे थे। उसी समय 2019 बैच का थाने पर प्रशिक्षण प्राप्त करना रहा, थाना सिविल लाइन पे अंडर ट्रेनिंग अंडर प्रोबेशन एक आरक्षी था जो अलग से था, और उसने दो लोग जिनके विषय में बताया जा रहा था कि कहीं दूर से आ रहे थे पैदल ही चल के, उनके द्वारा इस तरह से कृत्य किया गया, जिसके लिए बीइंग द पुलिस चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैं सॉरी फील करता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उस आरक्षी के विरुद्ध SP City से जाँच भी कराई जा रही है। इसका दूसरा पहलू भी ये है कि हम लोग जो भी इस तरह के लोग आ रहे हैं बाहर से पैदल चल के, जिनको गाड़ियां नहीं मिल पाई और जिलों से क्रॉस करके दिल्ली नोएडा से आ रहे हैं, उनको हम लोग फल फूल के फल खिला रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं और उनको प्राइवेट बसेज आदि की व्यवस्था करके उनके गंतव्य तक भी भेज रहे हैं। ठीक है, भूल हो गई, उसकी अनुभवहीनता थी, अभी उसकी नौकरी कुल 1.25 साल की है। सीनियर अफसरों को, सीनियर कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर को जैसे ही पता चला उसको, उनको डांटा गया उस सिपाही को और उसको तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया। उसको संतरी ड्यूटी पे फिलहाल अभी लगा दिया गया है। मामले की जांच हो रही है, SP City की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब का वीडियो है सर ये? ये कल का वीडियो है, ये वीडियो कल का बताया जा रहा है कि कल का वीडियो है, कल का बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था सर ये? ज्ञात नहीं हुआ किसी ने वीडियो बनाया होगा, वो हमारा जांच का उतना बिंदु नहीं है जितना बिंदु आवश्यक है कि पुलिस का ये हालांकि अनुभवहीनता से हुई है, ये उसके अपरिपक्वता है। कुल 1.25 साल की नौकरी है उसकी, लगभग 15 महीने की ही नौकरी है। जैसे सीनियर सिपाहियों को और सब इंस्पेक्टर्स को पता चला उन्होंने उसको डांटा फटकारा और वहाँ से हटा दिया है। तो ये थोड़ा कृत्य गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, इसके लिए सॉरी। बता दें कि लॉकडाउन लागू करने से लाखों दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, गरीबों की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई है। हालांकि सरकार की तरफ से मुश्किलों का हल खोजने की हर कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कुछ लोग परेशानियों का हल ढूंढने में नाकाम होने के बाद अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।